नमस्ते दोस्तों, क्या आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं? क्या आपने 10वीं पास कर ली है? अगर हाँ, तो आपके लिए एक सुनहरा मौका है। राजस्थान रोडवेज ने विभिन्न पदों पर भारी भर्ती निकाली है। इस भर्ती में 10वीं पास अभ्यर्थी उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं, तो देर किस बात की, जल्दी करें आवेदन और सरकारी नौकरी का सपना पूरा करें। उससे पहले हमारे चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम आपको राजस्थान रोडवेज भर्ती 2024 के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारी बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि कौन से पदों पर भर्ती निकली गई है, शैक्षणिक योग्यता क्या है, आवेदन कैसे करें और महत्वपूर्ण तारीखें क्या है। ये आते हम डिटेल इंफॉर्मेशन पे। राजस्थान रोडवेज ने निम्नलिखित पदों पर भर्ती निकाली है: ड्राइवर, कंडक्टर, फिटर, मैकेनिक, और भी कई सारे पद हैं, क्लर्क, टिकट कलेक्टर। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारी ये वेबसाइट है, इस पर आपको बाकी की और जानकारी मिल सकती है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास है। उम्मीदवार की आयु 18 से 25 वर्ष के बीच होनी आवश्यक है। अब आता है सबसे बड़ा सवाल कि इसकी तारीख क्या है भर्ती की। यह भर्ती 14 मई से शुरू हो गई है और इसकी आखिरी तारीख है 14 जून। इससे पहले आपको यह अप्लाई करना होगा। अब आता है दूसरा बड़ा सवाल, हाउ टू अप्लाई। अप्लाई करने के लिए आप हमारी इस वेबसाइट पर आ सकते हो, जिसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यहाँ से क्लिक करने के बाद आप PDF वगैरह देख सकते हो, अपनी शैक्षणिक योग्यता वगैरह नाप सकते हो, जांच सकते हो। ऑनलाइन आवेदन पर आप क्लिक करोगे तो आप फॉर्म पे पहुंच जाओगे। वहां जाकर अपना फॉर्म आप सही सही से भर सकते हो। सारी जानकारी आपको इस वेबसाइट पे अच्छे से मिल जाएगी। जल्दी से जल्दी भर्तियों की अपडेट पाने के लिए आप हमारे ये टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों, यह था राजस्थान रोडवेज भर्ती 2024 के बारे में जानकारी। यदि आप 10वीं पास है और सरकारी नौकरी की तलाश में है तो इस भर्ती के लिए जरूर आवेदन करें। यह आपके लिए एक सुनहरा मौका है। तो दोस्तों, यदि आपको इस वीडियो में कोई जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें और शेयर करें। यदि आपके कोई प्रश्न है तो कृपया मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।